आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। माई नेम इज़ डॉक्टर मानव मनचंदा। आई एम डायरेक्टर एंड HOD ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद। सो टुडे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक ऑफ एयर पोल्यूशन, विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज। एवरीवेयर वी सी इन द मीडिया देर इज़ अ डिस्कशन अबाउट इट, एंड दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलियर थिंग विच अकर्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ दिवाली एंड पोस्ट दिवाली सीजन। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि इस टाइम पे जैसे ही थोड़ी सी ठंड बढ़ती है तो मौसम ऐसा होता है कि जिसमें पोल्यूशन बढ़ जाता है, और दिल्ली NCR में खासकर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सारी जो हवा है इस एरिया की रुक जाती है और सारा पोल्यूशन इस एरिया में आके इकट्ठा हो जाता है। एंड ऑल्सो द प्रॉब्लम इज़ कि इस टाइम पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कुछ पटाखे, कुछ व्हीकलर पोल्यूशन, ये सब एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से ये सारे चीज़ बढ़ा के पोल्यूशन बहुत करती हैं। ऑल्सो वी सी दैट दी फायर्स विच आर बींग लिट अप इन दी फार्म्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, दे आर कॉजिंग मोस्टली दी एयर पोल्यूशन एट दिस टाइम। ऑलमोस्ट 60-70% इज़ बींग एट्रीब्यूटेड टू दिस एक्टिविटी। सो इसका हमारी बॉडी पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वो हमको जानना ज़रूरी है। कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी तो हम मोस्टली इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में मीडिया बात करता है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आर राइट नाउ इग्नोर्ड, बट वो हो सकता है अगले 5-10 साल में वो प्रॉब्लम्स हमारे को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़े। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स में जो हम देखते हैं, पेशेंट्स को गला ख़राब होता है, थ्रोट में इचिंग होती है, आइज़ में बर्निंग होती है, स्किन में किसी को इरिटेशन होती है, किसी किसी को गला ख़राब होने के साथ साथ खांसी बुखार भी हो जाता है, और ये सब इन्फेक्शंस इस टाइम पे वायरसेस भी थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो ये वायरस इन्फेक्शन फैलते हैं, फ्लू का वायरस फैलता है। और कुछ पेशेंट्स हमने देखा है कि इतनी ज़्यादा ये बीमार होकर एडमिट भी होना किसी को ज़रूरी हो जाता है, किसी को चेस्ट में निमोनिया तक हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हम रेस्पिरेटरी फिजिशियंस बहुत फेस करते हैं, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो कि एल्डरली हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, या जिनको पहले से कोई साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या पहले ही किसी सांस के COPD या अस्थमा बीमारी से अगर उनको प्रॉब्लम है, तो इस टाइम पे उनके लिए बड़ा मुश्किल सीज़न होता है। सो ये तो हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं इस पोल्यूशन की वजह से, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हम देख रहे हैं, बच्चों के लंग्स की ग्रोथ कम हो रही है, बच्चों में अस्थमा की प्रेवलेंस बहुत बढ़ रही है, लोगों को जल्दी COPD जैसे लंग्स की धीरे धीरे कमज़ोरी जो एज के साथ होती थी अब वो बहुत जल्दी होने लग गई है, लंग कैंसर एक बहुत तीव्र गति से हमारे NCR में बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं पोल्यूशन का इसमें डेफिनेटली एक रोल है। और हो सकता है अगले 5-10 सालों में अगर ये प्रॉब्लम हमने नहीं टैकल करी तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमारे को फेस करनी पड़े। सो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद उतना एक्शन नहीं होता सरकार की तरफ से भी और हम इंडिविजुअल्स की तरफ से भी। सरकार को चाहिए कि जो ये पोल्यूशन आग जैसे लगती है खेतों में, उसको किसी तरह से भी टैकल करें, जो भी बेस्ट पोल्यूशन है उसका सोल्यूशन है उसका जल्दी से निकालें। हम लोग पर्सनली भी अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, अपनी पोल्यूशन, अपनी गाड़ियों को सर्विस करा के, आग ना लगा के, पटाखे ना जला के, जो भी हमारे लिए पॉसिबल है हम वो उसमें भी योगदान करें। अब जो पेशेंट्स इससे ज़्यादा परेशान होते हैं उनके लिए मेरा एक खास मैसेज ये है कि उस टाइम पे अपने डॉक्टर से प्रॉपर दवाई लेने में देर नहीं करें, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई सांस का पेशेंट है और वो देर से आता है हमारे पास तो उसकी जान को खतरा हो जाता है इतनी ज़्यादा चेस्ट कंजेशन होने से। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह करें, तुरंत अपनी दवाई उस हिसाब से मॉडिफाई करें, और अपनी रेगुलर जो दवाई है उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक लें। उसमें कोई आपको इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आपने दवाई किसी कारण से नहीं ली है। और अगर आप अपना डाइट का ख्याल रखते हैं, हेल्दी फूड्स खाते हैं जिसमें विटामिन्स होते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, जैसे हाई प्रोटीन डाइट हो गई, वो आप ज़रूर लें इस टाइम पे। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आपको आगे इन्फेक्शंस कैच करने के चांसेस कम होंगे। साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इस टाइम पे आप इंडोर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें, रैदर देन कि सुबह आउटडोर आप पोल्यूशन में निकले। तो आप एक्सरसाइज का रूटीन ऐसा रखें कि घर में बैठे आप योगा कर लें, या घर में ट्रेडमिल कर लें, या रनिंग वॉकिंग, कुछ भी जो आपको पसंद है वो करें। एंड ऑल्सो अगर आप बुज़ुर्ग हैं या आपको कोई बीमारी है जैसे COPD, अस्थमा, या आपको हार्ट या किडनी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए वैक्सीनेशन लेना एक बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम फ्लू की वैक्सीन सालाना देते हैं, और एक बैक्टीरियल निमोनिया की वैक्सीन है जो 5 साल में एक बार लगती है, वो लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखें, हम अपने आप को प्रोटेक्ट रखें,
और घर से बाहर हम कम से कम निकलें, ज़रूरी होने पर ही निकलें, तो ज़्यादा चांस है कि हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम महसूस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल इससे बच के रहेंगे, क्योंकि हवा हर जगह है, तो हम चाहेंगे कि जितना हम कम से कम इसका एक्सपोजर लें और कम से कम अपने साइड इफ़ेक्ट्स रखें, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा।